जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब भाई? इंशाल्लाह उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। ले जी दोस्तों, काम कंप्लीट तो नहीं हुआ लेकिन यह है कि गुजारे लायक अभी हो गया है। अभी इसकी जो सपोर्टें हमने लगानी है वो चपटियाँ वगैरह अंदर सेट करनी है, तो वो दोबारा वेल्डर भाई को बुलाना है। अभी काफ़ी काम रहता है इसका, तो वो वेल्डिंग वगैरह होगी दोबारा, और जो सपोर्टें हमने लगानी जहाँ पे ये पट्टियों वगैरह पे बैठेंगे वो भी लेकर भी आने हैं। अभी इसको पेंट भी करना है, तो लेकिन ये है कि चले गुजारे लायक लगा दी है। अब जो मेल थे उड़ने वाले उनको मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, क्योंकि वो इकट्ठे खुलते थे तो सारी बात है, अब उड़ाना है तो पेड़ लग रहे थे आपस में, ये बड़ी बड़ी टेंशन थी। चले अल्लाह का शुक्र है बस अब ये क्लियर हो गया है। तो ये है कि गुजारे लायक अभी कर दी है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता इसको थोड़े दिनों में कंप्लीट करेंगे। इसके पट्टे शट्टे जो भी हमने लगाने हैं वो लगा लगू के तो इसको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जी मेल सारे इस साइड पे रहेंगे और फीमेल दूसरी साइड पे। अभी नए नए हैं ना तो बार बार अंदर चले जाते हैं, इनको फिर निकालते हैं फिर बार बार अंदर, क्योंकि इन्होंने कभी देखा ही नहीं है पिंजरा, हमेशा आज़ाद रहे हैं, खुले रहे हैं सारा सारा दिन। सुबह जब आके इनको मैंने वो खोला तो कबूतर तो मेरे ऐसे पिंजरे को देख के डरे जैसे पता नहीं क्या ये है, इसके पास भी नहीं आते पर डर रहे थे। लेकिन अब दो तीन घंटे गुजरे तो चलें थोड़ा सा सेटल हो गए, वरना जालियों को ही चिपके हुए थे। ये जी सारे मेरे मेल हैं जिनको मैंने ट्रेन किया हुआ है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी परवाजें लेके। तो कुछ अभी अंदर भी दोबारा भाग गए हैं। ये चपटियाँ भी वैसे ही मैंने स्पोर्टिंग के लिए हल्की सी लगाई हैं ताकि ये बैठ तो सके किसी चीज़ पे। नहीं दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।